अज गऊ रक्षा दल दे प्रधान सतीश कुमार दे वलों अपने गुरु बाबा सरवण दास जी महाराज दा 28वां सालाना प्रोग्राम कीता गया अते जिस दे विच पूरे भारत दे विचों अलग अलग स्थानां तों गऊ रक्षा दल दे समर्थक पहुंचे। इस मौके उन्हां दे वलों सरकार नूं अपील कीती गई है कि गऊशाला दे वल वी ध्यान दिता जावे। इस मौके ते होर की कुछ कहना सी गऊ रक्षा दल दे प्रधान सतीश कुमार दा, सो आओ सुणदे हां उन्हां दी जुबानी। हाँ जी प्रधान जी, की कहना चाहोगे अज तो अज जो प्रोग्राम कराया जा रहा है इस बारे में? अज गौ रक्षा दल वालों गौ लोक वासे बाबा सरवण दास जी महाराज की 28वीं बरसी मनाई गई है, जिद पंजाब के कोने कोने तो हिमाचल तो हरियाणा तो गौ रक्षक पहुंचे। अज उन्हां दी याद विच जिन्हां ने गौ रक्षा का बूटा 1980 के करीब लगाया से, अज पूरे देश जो गौ रक्षा का कार्य चल रहा है उन्होंने पवित्र याद च हवन ते भंडारे का प्रोग्राम किया गया। प्रधान जी, लंगर सिर्फ उरे ही लाया जा रहा है या होर भी संस्था वालों कितने कितने लाया जा रहा है? लंगर कई जगह चल रहे हैं गुरु जी की याद च, ते साडे प्राणराजपुरा घर के नेड़े भी लंगर चल रहा है, एको ही लंगर है जो गौशाला च भी चल रहा है। पिछले दिन तुम देखा होना पंजाब के अंदर बाढ़ आई, हजार गौ माता की गौशाला विच मौत हुई, बाहर जड़िया सड़कों तक घूम रही सी उन्होंने भी मौत हुई, चारा पानी भी उन्होंने तुड़ी भी जो बाढ़ के अंदर हाड़ के अंदर गौशाला का नुकसान होया। सरकार को चाहिए 20-20 लाख रुपया तुरंत कौसैस का जोड़ा 400 to 500 crore रुपया सरकार को जमा उस दे ताकि राहत मिल सके। मौके पर ऐसा ना हो जड़िया गुआं पानी तो बच गई अज वह भुख के नाल उन्हां दी मौत हो जाए, सरकार को जल्द तो जल्द पैसा जारी करना चाहिए। साडा जिहड़ा सरकार ने एक आयोग का चेयरमैन बनाया वो एक डम्मी बंदा बना दिया जिसनों कोई ABC नहीं गौ माता बारे पता, उसने कोई आवाज़ नहीं चकी अज तक भी पंजाब की गौशाला कोई फंड देना चाहिए। वो सरकार की अज 10-11 महीने हो गए, वो लखां रुपया सरकार तो तनखा गड्डी का खर्चा तेल का खर्चा ड्राइवर का खर्चा उदे दफ्तर के कलर्कां का खर्चा जो लखां रुपये च खर्च हो चुका है, पर उस बंदे ने गौ माता का एक पैसे का भी कम नहीं करे। सरकार को चाहिए कोई ऐसा बंदा, कोई गौशाला का बंदा हो, कोई गौ रक्षक हो जिसनों गौं के प्रति श्रद्धा हो, गौं की रक्षा करने वाला हो, जिन्हों गौं बारे कानून बारे पता हो, गौ की आवाज़ चकन वाला हो, उस बंदे नूं बनाना चाहिए, ना कि एक ऐसे पोलीटिकल बंदे नूं तुसी गद्दी ते बिठा दिया जिसनों ना तो कोई गौं का दर्द है ना उसने कोई लेना देना। वो ईवन कि उदे धूरी इलाके असी 10-12 परचे दर्ज करवा चुके हैं तस्करी के, उसके घर च तस्करी हो रही है, पर उसने कदे भी इस गल की कोई निंदा नहीं की और पुलिस को कदे फोन नहीं करया। तो यह जे लोग सरकार जे अगर बनाएगी तो उसका फायदा नहीं नुकसान होएगा। सरकार जल्द तो जल्द वधिया बंदे अपॉइंट करे और गौशाला पैसा दे। जेकर जल्द कोई फंड ना दिता गया गौशाला तो गौ रक्षा दल फिर मजबूर होगा, कोई ना कोई उग्र सानू अंदोलन छेड़ना पड़ेगा ताकि गौ माता दी जान बचाई जा सके, क्योंकि उन्होंने जो चारे पानी का बहुत ज्यादा नुकसान। न्यूज 89 पंजाब दे लई राजपुरा तो पत्रकार मोहित कुमार की खास रिपोर्ट। न्यूज 89 पंजाब, हर खबर जिसका होवे असर।